हाँ पापा बोलो। हाँ देख लिया। अभी ये बात करना ज़रूरी है? पापा मैं ऑफिस में हूँ, बाद में फ़ोन करती हूँ। हेलो जी, मीनाक्षी कैसी है? बड़े दिनों बाद याद किया। हाँ तो मैं तो जयपुर में ही हूँ। बिल्कुल, कब मिलना है बता। मैं करीब 5 बजे फ्री हो जाऊंगी, फिर आ जाती हूँ। ठीक है, एड्रेस भेज दे, डिटेल्स भेज दे, लोकेशन भी भेज दे। ठीक है, मैं आती हूँ। चल बाय। अपर्णा, तू तो बिल्कुल नहीं बदली। वही सलवार सूट, वही बैग लटकाना, वही बंधे हुए बाल, नो चेंज। अब तू भी तो नहीं बदली, बस हेयर स्टाइल बदल गया थोड़ा सा। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, अच्छा लग रहा है। राज को मेरा यही हेयर स्टाइल पसंद है। वो कई बार बोलता है कि तुम इस हेयर स्टाइल में बहुत सेक्सी लगती हो। मेरा छोड़, तू बता क्या चल रहा है। बस ज्यादा कुछ नहीं, जॉब चल रही है फिलहाल। मुझे बॉयफ्रेंड? लगता है क्या बात कर रही है, तूने निखिल के बाद किसी को डेट नहीं किया? आर यू सीरियस? आई मीन सिंगल रहना है क्या हमेशा? देख, मेरे भी बहुत सारे ब्रेकअप्स हुए थे, तुझे तो पता है कॉलेज के अंदर। बट फाइंड समवन यार। पर मैं तेरी तरह सोचती ना तो मुझे राज कभी नहीं मिलता। पर हमारे ब्रेकअप के रीजन भी तो अलग अलग थे ना। ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप। इन एनी केस घर वाले तेरे लिए कोई ना कोई ढूंढ लेंगे, तो इट्स बेटर ना कि तू अपने लिए किसी को ढूंढ। बाहर चलते हैं। मेरी सास इतनी स्वीट है ना, क्या बताऊं। टच वुड, सीरियसली आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे राज मिला। मिले कहाँ तुम दोनों? डेटिंग ऐप पे उसने मुझे राइट स्वाइप किया, मैंने उसे राइट स्वाइप किया, हो गया। राइट स्वाइप मतलब? आर यू सीरियस? फोन दे तेरा। और इसमें डेटिंग ऐप डाउनलोड कर। नहीं, मुझे नहीं करनी है। अरे यार, डेटिंग ऐप नहीं तो कम से कम फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ तो डाल। आई मीन कौन से जमाने में जी रही है? यार ये सब चीज़ें बड़ी टाइम पास लगती है मुझे सच में। कभी कभी टाइम पास कर लेना चाहिए। ठीक है, कल से कर लूँगी टाइम पास बस। देख, मैं देखो एक बात बताती हूँ। लाइफ में ना लोग बोलते हैं कि टाइम से आगे चलो। अगर टाइम से आगे नहीं चल सकती तो कम से कम टाइम के साथ तो चल। आई मीन लुक एट यू, तूने आज ऑफिस जाने से पहले अपने आप को आईने में देखा था? हाँ देखी थी। ना लिपस्टिक लगाया है, ना काजल लगाया है। लुक एट यू, कुछ तो किया कर यार। लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे यार? अरे नहीं करना मुझे लोगों को अट्रैक्ट। यार, ये सब भूलने की बात होती है। जब तेरी लाइफ में कोई एंजल आएगा ना, जैसे मेरी लाइफ में आया, तेरा रूप रंग बदल जाएगा। आई स्वेयर, मैं राज से मिलने के बाद पूरी बदल गई यार। हाँ पर तो मतलब घर वाले भी यही बोल रहे, तू भी यही बोल रही कि कुछ और बात करने को है हमारे पास, कुछ और बात करें। तो सब तेरा बेटरमेंट चाहता है यार, सब ठीक ही तो बात कर रहे हैं। अपना देख, लाइफ लॉन्ग तो अकेले नहीं रह सकती है, ठीक है? यू नीड अ पार्टनर, यू नीड समबडी, यू नीड अ फैमिली। और जब एक बार तेरी लाइफ में कोई आएगा ना, तेरा पूरा थॉट प्रोसेस बदल जाएगा।
तू ना एक काम करना, नेक्स्ट वीक आना, नेक्स्ट वीक राज आ जाएगी, मैं तुझे राज से मिलवाऊंगी, शायद तुझे हम दोनों से मिलकर के वो समझ में आए जो मैं समझाना चाह रही हूँ। What kind of color palette you're thinking? So preferably we would go for pastel colors to keep it light, basically. Yeah, yeah, correct. Correct. And what do you suggest for the ceiling color? It should be white or off-white? See, you are going for pastel colors, then off-white will work. So the reason I'm asking is, आप ये पैनल देखेंगे तो whatever artifacts that we are placing here will be of antique finish. Yeah. So it has to be matched. So we have to look after the synchronization of entire. Yeah, off-white will work. Okay. So what we can do is, first of all, you see the aesthetics of our structure. Then we can further decide. Better रहेगा, better रहेगा. Let me call my project manager. जी सर, जी अभी आए, एक मिनट. So she's Aparna, she's taking care of the entire project of this particular building. And he's Rajiv, he'll be with us on board as an interior designer. Okay, so you please take him for the showdown and make sure whatever aesthetics that we have decided. So every detailing when it comes to NT finish, I've already discussed with him. So once we'll see and you'll understand. Okay, so look forward. All right, see you. चलो फिर
कहाँ है भाई? ये तो है सर। डिजाइंस मेल में जो भेजे थे कहाँ है? सर यही आए थे। चेक करो। सर प्रीवियस मेल में यही डिजाइंस थे। स्पैम में देखो, स्पैम। इंटरनेट तो ऑन करो पहले, वापस कनेक्ट करो। एक काम करो, अपने फोन से वापस मेल भेजो। अच्छा मैं करता हूँ। यस सर। मैं छोड़ देता हूँ। नहीं सर, कैब बस आ रही होगी। कैब तो कैंसिल भी हो सकती है। सोचो मत, बैठो, मैं छोड़ता हूँ। आप यहीं से? यहीं से मतलब जयपुर से? नहीं, उदयपुर से। अच्छा, उदयपुर। यहाँ फ्रेंड के साथ। ओके। और फैमिली? फैमिली उदयपुर, मम्मी पापा दीदी। मैं अजमेर से हूँ, फैमिली भी वहीं है और मैं यहाँ आपके साथ। फैमिली में मम्मी पापा और बड़ा भाई है। अपर्णा, कैन आई आस्क यू समथिंग इफ यू डोंट माइंड? यस सर। आप मुझे उस वक्त घूर रही थी क्या, मतलब वहाँ पे? नहीं, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं सॉरी। वैसे मैं भी आपको भूल रहा था, पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं।
You okay? Sorry. जल्दी ही सब हुआ. क्या मतलब? I mean we are just you know exploring each other, right? We're knowing each other, right? कुछ ही दिन हुए ना तो. तुम्हें डर लग रहा है क्या? See, हम प्रोटेक्शन यूज करेंगे. यू डोंट हैव टू वरी. इट्स ओके. कम 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 कम. इट्स ओके. आई नो आई नो. लुक एट मी. इट्स ओके. पहले जब अटैचमेंट हो जाती है और आई जस्ट वांट टू यू नो यू मोर. आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर. आई रियली वांट टू हैव अ ग्रेट टाइम विद यू. यू हैव Your eyes, जब मुझे देख रही होती सर. Even though it's with many and my lips. Sorry. मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो और मुझे आई नो आई सी अपना आई रियली फील यू नो देयर इज समथिंग बिटवीन अस एंड आई डोंट वांट टू मिस दैट यू नो फीलिंग. आई जस्ट मुझे डर लग रहा है. मैं जब लिसन आई लव यू. राजीव बोली थी ना उसके बारे में मैंने बहुत सोचा. मुझे कब का मूव ऑन कर जाना चाहिए था पर अब मुझे मेरा एंजल मिल गया है. थैंक यू यार. मैं ना एक्चुअली तुझे उससे मिलाना चाहूंगी. एक मिनट. हाँ नहीं बस एक छोटा सा हाय. पागल हो गई क्या तू? दूर 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 दूर. तेरा एंजल, तेरा एंजल देखना. मेरा तेरा एंजल, तेरा एंजल कितना इनोसेंट, कितना कितना अच्छा है ना. मेरा दूर कितना इनोसेंट है ना.